वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन टंगड़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है और बिल्कुल जूसी बनकर रेडी हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1/2 kg मैंने चिकन के लेग्स ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे एक बाउल में ऐड कर देते हैं हम। अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। ये मैंने 1/2 चम्मच पपीता पेस्ट लिया है, 1/2 चम्मच हरी मिर्च पेस्ट लिया है और 1/4 चम्मच काला नमक लिया है और 1/2 चम्मच नमक लिया है। एक ढक्कन विनेगर का डालकर इसमें हम इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कोटिंग कर लेंगे हम चिकन में और जितने भी कट्स हैं उनमें भी अच्छे से हम फिलिंग कर देंगे इसकी, बिल्कुल अच्छे से इसकी मालिश कर देंगे ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर सारे लेग्स में आ जाए। अब इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसे ढककर हम रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। चलिए अब हम सेकंड मैरिनेशन अपना रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1/4 चम्मच पीली मिर्च ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर और 1/2 चम्मच इसके अंदर मिर्च ऐड कर दी है। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। इसके अंदर 1/4 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है और 1/4 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चाट मसाला। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हैंग कर्ड। ये मैंने बिल्कुल पानी निकाल दिया है दही का और इसे 2 चम्मच ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1/4 चम्मच तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले में भी अपना फ्लेवर होता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। अब इसके अंदर सारा चिकन को ऐड कर देते हैं हम और इसे बिल्कुल अच्छे से कोट कर देते हैं मसाले में और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और सारे मसाले बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सारे मसाले ऐसे ही डालिएगा एज इट इज़, तो आपका तंदूरी मसाला चिकन बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। चलिए ये हमारी अच्छे से फिलिंग हो चुकी है, कोटिंग हो चुकी है इनकी, तो अब हम इसे ओवन में पकने के लिए रख देंगे। इस तरीके से हम जाली पर रख देंगे सारे चिकन के लेग्स को और इसे जो भी मसाला रह गया है उसे भी अच्छे से इसके ऊपर फिल कर देंगे। और देखिए मैंने ये प्री हीट कर रखा है ओवन और मैंने इसे 250 डिग्री पर सेट कर रखा है। अब इसे हम ढककर पका लेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। देखिए ये एक तरफ से हो गया है और मैंने इसे निकाल लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा लगा देंगे मक्खन और इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। जब इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसे निकाल लीजिएगा। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे और इसे दोबारा से हम ओवन में रख देंगे और हम फिर 10 से 15 मिनट के लिए फिर दोबारा पका लेंगे अच्छे से इसे ग्रीस कर। चलिए अब फिर दोबारा हम इसको ओवन में रख देते हैं और इसे भी हम पका लेंगे। देखिए मैंने 10 मिनट बाद निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं अभी ये और बहुत ही ज़्यादा जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट बन गए हैं ये चिकन टंगड़ी। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ और ये मैंने हरी मिर्च बीच में से कट कर इसके अंदर ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम चाट मसाला और बटर। अब ये हमारी चिकन टंगड़ी बनकर रेडी है और बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।